आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोरा जी के मशहूर खट्टे आलू की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है। तो मैं शुरू करती हूँ रेसिपी, आपको बताती हूँ कि आलू की कटिंग किस तरह करनी है। बिस्मिल्लाह। अगर छोटे साइज़ के आलू हैं तो इनको हम इस तरह से दो पीसेस में कट कर लेंगे, और बड़े आलू हैं तो हमने ये करना है कि हम इनको इस तरह बीच में से आधा करके और इस तरह इनको चार आलू के चार पीस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने आलू को किस तरीके से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आलू की आप देख लें मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा, अब इसमें हमने ये करना है, इन्हें बॉयल होने के लिए हमने रखना है। और इसमें मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ये समझिए मैं हाफ टी स्पून के करीब इसमें फूड कलर का डाल रही हूँ, ताकि हमारे आलू पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून ही इस पॉइंट पे नमक भी इसमें जाएगा। नमक आप लाजमी डालिएगा इस पॉइंट पे इसमें, ताकि आलूओं में अंदर तक जो है नमक हमारे आलू में शामिल हो जाए। अब हम इसे गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमने इसे 80% तक आलुओं को गलाना है, तो हम इसे कवर कर देते हैं और 8 से 10 मिनट तक के लिए गलने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, उन पर कितना अच्छा कलर आया है, और जितने हमने गलाने थे उसने हमने गला लिए हैं। अब मैंने इसमें आधी प्याली जो है ऑयल रख दिया है, इसका मसाला तैयार करने के लिए, गर्म करने के लिए। ये मैंने 1/4 टीस्पून जो है इसमें रायदाना लिया और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें कलौंजी ली है। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे और इसको हमने 1 से 1.5 सेकेंड ही हमने इसको कड़कड़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना कड़वाहट आ जाएगी आलू में हमारे। साथ ही मैं इसमें कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता जो है ऑप्शनल है, इससे ना खुशबू अच्छी आ जाती है और फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी सी जो है रायदाने वगैरह की कड़ी पत्ती की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूंगी। पानी ऐसा ऐसा डाला है मैंने ताकि छींटे इसमें ना उड़े, वरना इस पॉइंट पे जो है गर्म तेल में ऑयल डालने से एकदम से छींटे उड़ना शुरू हो जाती है, तो आप भी स्लो स्लो डालिएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पीट पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा कुटा हुआ जीरा भुना हुआ, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा कुटा हुआ और भुना हुआ जो है धनिया। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैंने उस पॉइंट पे शामिल किया था आलू के साथ, और 1/2 टीस्पून में अभी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, आप नमक को तो आप चेक भी कर सकते हैं पकाते के दौरान, जब मसाला भुनने के करीब आ जाए तो आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो और भी शामिल आप कर सकते हैं इसमें। तो ये हमने मसाला मिक्स कर लिया। अब इस पॉइंट पे मैंने ये 1 टेबल स्पून भर के बेसन का लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट शामिल नहीं कर रही हूँ। इससे मैं थोड़ा सा पानी डाल के बस 1 से 2 टेबल स्पून इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह लम्स जो है वो ना बने, वरना उसमें मसाले में फिर हमें इसको मिक्स करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसका पेस्ट सब बना के, और अब ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये इस तरह से शामिल कर दूँगी मैं। तो हमने बेसन की अच्छे से इसमें मिक्सिंग कर लेनी है। आपने जब जो है बेसन इसमें डालना है ना मसाले में, तो आप चूल्हे को स्लो कर दीजिएगा और साथ ही जो है चमचा तेज़ी से चलाते रहिए, वरना इस पॉइंट पे भी जो है इसमें लम्स बनने की जो है मसला हो सकता है। अच्छा, साथ ही मैं इसमें जा रही हूँ, चूल्हा स्लो रखिएगा। इमली का पल्प डाल रही हूँ, ये मैंने आधी प्याली लिया है, ये भी इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि ज़रा खट्टे से बनते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, क्योंकि ये खट्टे आलू ही होते हैं। तो ये देखिए हमारे खट्टे आलूओं का मसाला कितना बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ये आलू बॉयल शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको आलू को जो है स्लो फ्लेम पे ही ज़रा मिक्स कर लेंगे इनके साथ अच्छे तरीके से, तमाम मसालों के साथ, ताकि मसाले अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाए आलूओं में। और हमने इसको अभी थोड़ा ड्राई भी करना है। पहले तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि आलूओं में जो हल्की फुल्की सी कसर रह गई है हमारे पास की वो भी हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, ताकि आलू बिल्कुल मसाला हमारे खट्टे आलू के साथ लिपटा लिपटा सा हो जाए। तभी मैं इसे कवर करती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए आलू को, और देखें आलू हमारे तकरीबन ये देखें डन हो चुके हैं, मसाले तमाम हमारे आलुओं के साथ अच्छे तरीके से ये देखें लिपट चुका है, और क्या बेहतरीन हमारे खट्टे आलू बन के तैयार हुए हैं आपके सामने ही है। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे खुशबू और जायके में मज़ीद इसके इजाफा हो जाएगा। और हम इसके साथ भी इसकी मिक्सिंग कर देंगे थोड़े से मीडियम फ्लेम पे, हम इसको अच्छे से ये देखें, ताकि और भी बाकी जो है धनिया और मसाला है ये एक जान हो जाए, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार से हमारे आलू तैयार हो जाए।
तो चलिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे थोरा जी के खट्टे आलू बनके तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे चना चाट के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं और दही भल्ले वगैरह के साथ भी, और चाहे तो इसे आप इस तरीके से भी खा सकते हैं, और चाहे तो पराठे पूरी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ। तो आप बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।